हेलो दोस्तों वेलकम टू इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट डिस्कशन ऑफ़ सेक्शन सेक्शन नंबर 194 आर ये प्रीवियस 22 तेईस से इंसर्ट किया गया है एंड आने वाली मे एंड नवंबर 2023 एग्जामिनेशंस में बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है इंटरमीडिएट एंड फाइनल के स्टूडेंट्स के लिए सबसे पहली चीज जो हम क्लियर कर लें सेशन में ये सेशन फाइनल वाले देख सकते हैं लेकिन ये हम इंटरमीडिएट के लिए डेडिकेटेड डिस्कस करने वाले हैं सर ऐसा भेदभाव क्यों क्योंकि इंटरमीडिएट के लिए जो है वो फाइनल के लिए तो ऑब्वियसली होगा ही ना फाइनल के लिए हम अलग से ये सेशन कंडक्ट करेंगे और आपको हमारे चैनल पे उस सेशन को ही देखना है अगर आप सीए फाइनल के स्टूडेंट हैं एंड मे या नवंबर 2023 में देने वाले हैं क्यों क्योंकि इंटरमीडिएट में ये सेक्शन थोड़ा बेसिक कवर किया गया है एज पर द इंस्टीट्यूट का करिकुलम बट फाइनल के लिए ये थोड़ा ज्यादा डेप्थ में और डिटेल में कवर किया गया है यानी ज्यादा पॉइंट्स और गाइडलाइंस कवर की गई है क्योंकि एक सीए फाइनल के बच्चे को तो सब कुछ ही पढ़ना है सो so सबसे पहली क्लैरिटी ये सिर्फ इंटरमीडिएट में अपियर करने वाले मे एंड नवंबर 2023 के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट है फाइनल वाले बच्चे इसे सुन सकते हैं, लेकिन इसमें उनका बेसिक्स कवर होगा डिटेल डिस्कशन जो होगा वो हम एक और सेशन में विथ ऑल द डिटेल कवरेज कवर करेंगे तो अभी इंटरमीडिएट के बच्चे ध्यान दें 194 आर एक नया सेक्शन इंसर्ट हुआ है यह करीब करीब प्रथा हो गई है हमारे यहां कि हर साल बजट में कोई ना कोई दो या तीन नए टीडीएस के सेक्शन आते हैं जैसे इस साल दो सेक्शन आए हैं 194R नाइनटी 194S एंड ये ABCD का सिलसिला चलता ही जा रहा है यानी अभी तक 194Q तक तो सेक्शन आपने पढ़े थे बट अब आप R और S दो एडिशन देख रहे हैं जिसमें इंस्टीट्यूट ने आपके सिलेबस में 194R ही लिया है 194S नहीं लिया है। फाइनल के बच्चों को ही 194S पढ़ना है। यानी आपके लिए नया सेक्शन 194R ही है सर पूरे टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स के चैप्टर में और कोई अमेंडमेंट भी है क्या हाँ जी है एक बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट और हुआ है वन नाइनटी में जो सेक्शन पहले से एग्जिस्ट करता था लेकिन उसमें चेंज किया गया है सर व्हाट अबाउट डाट 194 नाइनटी वो हम हमारे चैनल पे पहले ही डाल चुके हैं आप उसे रेफर कर सकते हैं 194 आईए के TDS के टीडीएस सेक्शन में क्या अमेंडमेंट किया गया है तो इस वीडियो सेशन में हम डेडिकेटेडली 194 आर जो कंप्लीटली न्यूली इंसर्ट किया गया है उसी का डिस्कशन हम लेने वाले हैं किसी भी टीडीएस के सेक्शन को पढ़ते हैं ना हमेशा छह बातों पर ध्यान देते हैं छह बातें सर कौन सी छह बातें किसे टीडीएस काटना है किसका टीडीएस काटना है किस चीज पे टीडीएस काटना है कब टीडीएस काटना है किस रेट पे टीडीएस काटना है और क्या कोई एक्सेप्शन है क्या क्या कोई या कोई बेसिक थ्रेश है क्या जब तक टीडीएस नहीं काटना होता छह बातें फिर से क्या किसे काटना है टीडीएस किसका काटना है टीडीएस किस चीज पे काटना है टीडीएस कब काटना है टीडीएस किस रेट पे काटना है टीडीएस एंड क्या कोई एक्सेप्शन या एग्जिमशन है क्या तो वन आर में भी हमें छह चीजों पर फोकस करना है हमारा पूरा सेक्शन कवर हो जाएगा सर बस इतना है क्या काश इतना सही होता क्योंकि ये तो बेसिक लॉ है हमारा लेकिन उसके बाद कोई नया सेक्शन आया है तो कई सारे डाउट्स आते हैं कंफ्यूजन आते हैं क्वेश्चंस आते हैं एंड दैट इज वाई सीबीडीटी ने उसके लिए इश्यू की हुई है गाइडलाइंस दो सर्कुलर आ चुके हैं दो गाइडलाइंस आ चुकी हैं एक जून के महीने में आई थी और एक सितंबर 2022 में आई थी जो हमें इनकल करने हैं अपने रीडिंग में ताकि हम सेक्शन सेक्शन को एक्सटेंसिवली समझ सके इसीलिए यह से लागू भी नहीं हुआ क्योंकि अगर कोई नया सेक्शन आया है और वो बाईस तेईस से आया है तो उसे एक चार बाईस से लागू हो जाना चाहिए पर ये क्यों नहीं लागू हुआ ये एक साथ बाईस से लागू किया गया है फर्स्ट ऑफ जुलाई सी ए डे फर्स्ट ऑफ जुलाई 2022 से लागू किया गया क्योंकि नया नया सेक्शन आया डिपार्टमेंट को भी वक्त चाहिए क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं एक ऑफिसर ने बैठ के सारे इश्यूज सोचे और वो इश्यूज सोच के उनके ऊपर सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिए कि कंफ्यूजन ना हो ये जून में ही दे दिए थे इन्होंने लेकिन लागू हो जाने के बाद नए इश्यूज आते नई प्रॉब्लम्स आती है एंड एक और गाइडलाइन देनी पड़ी इन्हें

यही सोच समझ के बना रही है कि कोई प्रॉब्लम थी कोई लूपहोल था कोई इशू था उसको ठीक करना था प्रॉब्लम क्या थी एक प्रॉब्लम ये थी कि, कि कई बार बिजनेस एंड प्रोफेशन करते वक्त बहुत सारे प्रोवाइड किए जाते हैं बाय वन पर्सन टू अनदर बेनिफिट्स या परक्विजिट प्रोवाइड किए जाते हैं बिजनेस और प्रोफेशन बाय वन पर्सन टू अनदर एंड जो देने वाला होता है इसको जो बेनिफिट्स दे रहा है वो तो अपने बुक्स में इसे एज एन एक्सपेंस दिखाता है और अपनी टोटल इनकम को रिड्यूस कर लेता है अपनी पीजीबीपी को कैलकुलेट करते वक्त लेकिन जिसको ये बेनिफिट या परक्विजिट मिला वो उसे टैक्स नहीं भरता वो उसे शो नहीं करता जिसकी वजह से डिपार्टमेंट का रेवेन्यू लॉस होता है क्योंकि देने वाले ने बोला देखो भाई मैंने ड्यूरिंग द बिजनेस किसी को बेनिफिट दिया तो वो एक मेरा खर्चा है

जो लोग इस इनकम को दिखा नहीं रहे जो रेसिपियंट ऑफ सच बेनिफिट है तो हम क्या करते हैं देने वाला जो है उस बेनिफिट को उसे मैंडेट दे देते हैं वन नाइनटी फोर आर में कि आपको इस ट्रांजेक्शन पे टीडीएस काटना होगा अब अगर मैं किसी को बेनिफिट दे रहा हूं परक्विजिट दे रहा हूं और उस पर टीडीएस काट रहा हूं तो सामने वाले के लिए फॉर्म ट्वेंटी वो दिखना स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि इसका टीडीएस का क्रेडिट दिखना स्टार्ट हो जाएगा एंड अब वो उससे नहीं बच सकता अब उसे वो इनकम में दिखाना पड़ेगा नहीं तो डिपार्टमेंट को बड़ा इजीली पता चल जाएगा कि उसने अपनी इनकम छुपाई है इस तरीके से हमने जो एक्सपेंस कर रहा है उसके ऊपर यह भार डाल दिया कि तू सोर्स पर ही उसका टीडीएस डिडक्ट कर ले अब सामने वाला झक मार के उसे दिखाएगा कोई गलत काम नहीं हो पाएगा दैट दॉ द बेसिक वाई जिसकी वजह से यह इंट्रोड्यूस किया

कि हम आपको तो पांच दिन की थाईलैंड की ट्रिप दे रहे हैं चार दिन सिंगापुर घूम के आओ या फिर वो सामान आते रहते हैं कभी मिक्सर आया कभी टीवी आई कभी एसी आया कभी गाड़ी आई डिपेंडिंग अपॉन कितना टारगेट अचीव किया है एंड इस तरीके से कैडबरी कंपनी जब ये बेनिफिट देती है अपने डीलर को तब वो तो खर्चा क्लेम कर लेते हैं लेकिन जो डीलर है जिसको ये बेनिफिट मिला उसके लिए वो सेक्शन ट्वेंटी में टैक्सेबल है पर वो दिखाता नहीं है और पता भी नहीं चलता उसने नहीं दिखाया ये बहुत बड़ा लूपोल था जो मिस हो रहा था तो इसे पकड़ने के लिए उन्होंने क्या बोला कैडबरी कंपनी को बोला देख बेटा सेक्शन नंबर वन आर में तेरे को टीडीएस काटना पड़ेगा ऐसे बेनिफिट या परक्विजिट देने पे तो सामने वाले का जब डिस्ट्रीब्यूटर का तो टीडीएस काट के जमा करेगा ना हमको पता चलेगा कि उसका तुमने टीडीएस काटा है और वो अपनी इनकम में शो नहीं करेगा तब हम उससे बात कर लेंगे ठीक से कि हम भी क्या चीज है इस तरीके से 194 आर का लॉजिक है ये लॉजिक है अभी तक हमने सेक्शन तो देखा ही नहीं अब आप सेक्शन का वॉट पकड़ो तो बड़ा इजीली समझ में आएगा किसको टीडीएस काटना है कोई भी पर्सन लायबल है इसमें टीडीएस काटने के लिए हालांकि अगर वो एक इंडिविजुअल एच है इंडिविजुअल एच है तो इंडिविजुअल एच को तभी टीडीएस काटना है जब उसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट

किस चीज पे टीडीएस काटना है वैल्यू ऑफ बेनिफिट और perquisite. Benefit या perquisite, कोई भी जो provide किया, चाहे वो कैश फॉर्म में हो या kind form में हो तो कई बार हम कैश भी देते हैं कि भाई ये लो, लाख रुपए क्योंकि तुमने मीट किया या ये लो लाख रुपए का laptop, kind में। कई बार दोनों का कॉम्बिनेशन भी देते हैं कैश और काइंड और बोथ एनीथिंग इज पॉसिबल कई बार हम जो इंसेंटिव देते हैं वो होता तो काइंड में है पर कन्वर्टेबल होता है मनी में जैसे मैंने दो प्लेन की टिकटें दे दी तो वैसे तो काइंड में दिया लेकिन फिर कहा कि अगर तुम नहीं जा रहे हो इन दो प्लेन की टिकट का यूज करने का तो आप इसको कैश में भी कन्वर्ट कर सकते हो तो इट माइट बी कन्वर्टेबल इन कैश और नॉट सो दिया क्या कोई भी बेनिफिट या परक्विजिट दिया एक तरीके से वन आर आर याद रखने के लिए आप कह सकते हो रसगुल्ले दिए रेवड़ी दी किसी ना किसी तरीके का रिवॉर्ड दिया किसी ना किसी तरीके का फायदा दिया आर फॉर रसगुल्ले दिए यानी दिए लिटरली मत समझना उस चीज को ऐसा समझो कि भाई सबके घर रसगुल्ले भेजे आपने तो तो रसगुल्ले भेजे आपने दिया तो उसकी वैल्यू पे आपको टीडीएस काटना है तो पहला हो गया डिडक्टर कौन होगा दूसरा हो गया डिडक्टी कौन होगा तीसरा हो गया क्या चीज पे टीडीएस काटा जाएगा चौथी बात कब टीडीएस काटना है देते वक्त जब आप रिलीज कर रहे हैं या पे कर रहे हैं तब काटना है पांचवी बात किस रेट पे काटना है दस टका 10% 10% की की रेट पे, की रेट पे पे सीधे फ्लैट ऑब्वियसली सामने वाले का पैन नंबर अवेलेबल होना चाहिए नहीं तो जो आप तो अपलोड किया हुआ है वो भी आप देख सकते हैं तो वैसे टेन परसेंट की रेट है एंड क्या कोई एक्सेप्शन है जैसा हर सेक्शन में आपको बीस हजार रुपए तक का ही वैल्यू ऑफ बेनिफिट है सिर्फ बीस हजार रुपए तक का वैल्यू ऑफ बेनिफिट या पर है, तो आपको कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं करना बीस हजार के ऊपर गया, पूरे हो सकता है लेकिन इंडिविजुअल तो का टर्न ओवर ग्रॉस रिसीट एक करोड़ या पचास लाख केस में भी से ज्यादा होना चाहिए दूसरा किसका टीडीएस काटा है रेसिडेंट पर्सन का तीसरा किस चीज पे कोई भी बेनिफिट या परक्विजिट चाहे कैश हो काइंड हो बो हो कन्वर्टेबल इन मनी हो या नहीं किसी बिजनेस या प्रोफेशन की वजह से हुआ होगा चौथा कब काटना है एट द टाइम ऑफ रिलीज एट द टाइम ऑफ पेमेंट पांचवा किस रेट पे दस टके पे और छठा कि कोई एग्जिबिशन है क्या हाँ बीस हजार रुपए तक नहीं काटना है टीडीएस बीस हजार से ऊपर जाएगा तो ही आपको पूरे अमाउंट पे दस टका टीडीएस काटना रहेगा इसे हम एक डायग्रामेटिक वे में प्रेजेंट कर लेते हैं ना तो थोड़ा इजी हो जाता है डायग्रामेटिक वे में तो वन नाइन आर आप इसे आराम से पॉज करके कॉपी कर सकते हैं 194 आर रसगुल्ले रिवॉर्ड एनी पर्सन लेकिन इंडिविजुअल एच हुआ तो उसका टर्न या ग्रॉस रिसीट एक करोड़ या पचास लाख से ज्यादा होगा इन इमीजिएटली प्रेसिडिंग प्रीवियस ईयर ये फर्स्ट बात हो गई दूसरा किसका रेसिडेंट पर्सन का तीसरा कब किस चीज पे बेनिफिट पर कैश हो काइंड हो चाहे कन्वर्टेबल मनी और नॉट हो फोर्थ कब एट द टाइम ऑफ रिलीज या पेमेंट जब भी बेनिफिट रिलीज कर रहे हो या उसको कैश में दे रहे हो तो जब पे कर रहे हो पांचवा किस रेट पे टेन परसेंट और छठा बीस हजार तक कोई टीडीएस नहीं है छह इंपॉर्टेंट बातें हो गई हमारी अब इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या इश्यू की है गाइडलाइंस दो बार गाइडलाइंस इशू की गई जैसा मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में जून में और सितंबर में हम उसे क्लब करके रीड करेंगे उसके अंदर क्वेश्चन नंबर्स दिए हुए हैं कुछ बारह क्वेश्चंस हैं

छोटे छोटे वर्ड्स में डाल दोगे तो उससे एक बार के लिए तो भला हो जाएगा बट लॉन्ग टर्म में सफर करोगे एट दिस लेवल आपको थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी चाहिए कि लैंग्वेज क्या है तो कंफ्यूजन क्लियर रहता है शॉर्ट करने के चक्कर में थोड़ा प्रॉब्लम भी होता है कई बार एग्जाम ओरिएंटेड कई बार जाना ठीक है बट लॉजिकली भी आप उसको पकड़े तो ये जितनी भी बातें वो सब यहां पर दी हुई है जो भी हमने लिखा ये सारी बातें हमने दी हुई है एंड लास्ट में क्या लिखा है पावर ऑफ सीबीडीटी टू इशू गाइडलाइंस एंड वही गाइडलाइंस अब इशू की जा चुकी है जो आराम से डिस्कस कर सकते हैं देखो गाइडलाइंस डिस्कस करने जाए उससे पहले ही कुछ चीजें तो यहां देख के शायद मन में डाउट आ गया होगा देख के ही मन में बहुत सारे सवाल उठने लगते हैं तो है तो टीडीएस काटना, है। तो काटना है समझो मैं कैडबरी कंपनी हूं और मैंने मेरे डीलर को मेरे डिस्ट्रीब्यूटर को गाड़ी दी में, गाड़ी दी, दी। कि यार क्या सेल टर्नओवर अचीव किया है तुमने क्या टारगेट मीट किया हमने जैसा कहा था हम तुमको गाड़ी गिफ्ट करते हैं गाड़ी का इंसेंटिव दिया बेनिफिट दिया जिसको मिला उसके लिए गाड़ी 28, खर्चा है प्रमोशनल ना मैं मेरे डीलर्स को ऐसा इंसेंटिव देता हूं तभी तो वो और मोटिवेट होते हैं तो दिस इज बेसिकली प्रमोशनल एक्सपेंस जो मुझे 37 में मिल जाएगा। पर मुझे इस गाड़ी पे बोला दस टका टीडीएस काटो सर गाड़ी पे दस टका टीडीएस काटो भाई अगर किसी को तीन लाख रुपए दिए होते तो तीन लाख पे दस टा का काटे होते तो बोला होता भाई, टू सेवेंटी ही देंगे तीस हमको सरकार को देने हैं गाड़ी पे टीडीएस काटो तो क्या गाड़ी के दो पहिए निकाल के देंगे उसको करेंगे क्या हम ये तो नॉन मॉनिट्री बेनिफिट है मॉनिट्री होता तो ये प्रॉब्लम नहीं होता पर तो नॉन मॉनिटरी से पढ़ा हुआ है तो इसका जवाब आपके पास पहले से है ऐसा ही प्रॉब्लम सेक्शन फोर बीबी में भी आता है कैजुअल इनकम क्योंकि कैजुअल इनकम में भी क्या बोला थर्टी परसेंट फ्लैट टीडीएस लगता है. Person, है घर बैठो खेलो केबीसी तो उसके सवालों के हम जवाब देते हैं और हम कोई गाड़ी जीत गए तो भाई केबीसी जब हमको गाड़ी देता है तो दैट इज अनिंग दैट इज कैजुअल इनकम नॉन मॉनिट्री केबीसी को उस पर तीस टका टीडीएस काटना होता है तब तो केबीसी उस समय कैसे तीस टका टीडीएस काटता है यह बात नाइन में पढ़ाई जाती है और सेम बात लागू होगी क्या किया जाएगा जब हम गाड़ी दे रहे हैं गाड़ी दे रहे हैं इसको अपने डिस्ट्रीब्यूटर को, को गाड़ी दे रहा है तो वो उसको कई सारे रास्ते का दे सकता है तीन लाख की, की गाड़ी पे दस टीडीएस बनता है तीस हजार मुझे काटना है अभी गाड़ी में तो कैसे काटूंगा इसलिए काम कर तीस हजार पहले तो मुझे कैश दे दे फिर मैं तुझे गाड़ी रिलीज करूंगा पहले कैश दे थर्टी थाउजेंड दे मुझे ताकि मैं जाके जमा करूं टी और फिर गाड़ी रिलीज करूंगा ये एक ऑप्शन है है दिस इज वन रूट अवेलेबल पर पता प्रैक्टिकल लाइफ में अगर आप कैडबरी कंपनी और आप बोलोगे डिस्ट्रीब्यूटर को कि भाई पहले तो तीस हजार कैश दे, फिर मैं गाड़ी दूंगा, तो उसको क्या लगेगा लगेगा स्कैम है उसको लगेगा, क्या फ्रॉड जैसी बातें करते हो जब तुम बेनिफिट देने ही वाले हो तो यार मुझसे पैसा क्यों मांग रहे हो इसीलिए प्रैक्टिकली कोई करता नहीं और सुनने में भी कितना खराब लगेगा ना तुम एक तो उसको गाड़ी गिफ्ट दे रहे हो और गाड़ी गिफ्ट देते बोलते हो मैं दूंगा उसके पहले तू दे तो गलत बात है अजीब साउंड करता है, इसलिए ये रूट इतना फीजिबल नहीं है तो दूसरा रूट क्या है सवाल आ रहे तो तू एक काम कर तीस हजार रुपए का सरकार को जाके तेरे नाम पे एडवांस टैक्स भर दे और मुझे लाके चलान दिखा दे सरकार पे तो भरोसा करता है करता होगा मुझ पर नहीं करता है सरकार पर तो भरोसा करता है और एडवांस टैक्स का चलान लाके मुझे दिखा दे उसके बेसिस पे मैं गाड़ी रिलीज कर दूंगा ये थोड़ा बेटर है लेकिन स्टिल इसमें भी सुनने के बाद आपको लगेगा सामने वाला कहेगा यार मैं पहले पैसे क्यों वो थोड़ी समझेगा यार वो तो ये बोलेगा तू गाड़ी देना यार फालतू की बात करता है गाड़ी नहीं देनी है तो मना कर दे ये क्या होता है कि तीस हजार पहले जाके जमा कर वो शायद नहीं समझेगा ये बात भी इसीलिए देर इज अ थर्ड रूट और जो थर्ड रूट है वो ज्यादा प्रैक्टिकल है और ज्यादातर ऐसा ही किया जाता है कि जब तीन लाख की गाड़ी दी जा रही होगी तो तीन लाख की गाड़ी देते वक्त जो कैडबरी कंपनी है वो ये सोचेगी कि तीन लाख मेरा नेट अमाउंट है तीन लाख टीडीएस काटने के बाद का अमाउंट है यानी लाख पूरा नहीं दे रहा हूं मैं मैं तीन लाख नब्बे पोर्शन दे रहा हूं यानी लाख लाख को मैं अप करूं तो थ्री 90 है हंड्रेड तो परसेंट कितना होगा तो आप नाइन्टी परसेंट का अगर थ्री लाख मानोगे तो हंड्रेड परसेंट कितना होगा तो वो जो गैप आएगा ना वो गैप का आप ही को बैर करना पड़ेगा टैक्स और सरकार को पे करना पड़ेगा तो यानी कि आप यहां पर करोगे क्या सिंपली जैसे हम एक एग्जाम्पल क्या बना रहे तीन लाख रिलीज करना है आपको कारी का तीन लाख में रिलीज कर रहे हो कार तो आप ऐसा सोचोगे तीन लाख इज इक्वेल इन टू नाइनटी परसेंट तीन लाख इज इक्वल टू नाइनटी परसेंट और तीन लाख डिवाइड बाय नाइन्टी परसेंट करके एक नंबर निकालोगे और इसको मानोगे वैल्यू ऑफ बेनिफिट इसको वैल्यू ऑफ बेनिफिट एंड ये जो नंबर आया होगा उसका दस टका करोगे वही आपका टीडीएस का अमाउंट होगा एंड ये आप पे कर दोगे टू गवर्नमेंट कौन करेगा ये सब ये सब कैडबरी करेगा यानी वो वो जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो मस्त आराम करेगा और कैडबरी को थोड़ा ज्यादा बेर करना पड़ेगा क्योंकि तीन लाख अब उसको वो नेट सोच रहा है पहले तो क्या था ना, तीन लाख ग्रॉस सोच रहे थे कि तीन लाख में से दस टका काटेगा ना, ना तीन लाख दस टका काटने के बाद है तो तीन लाख को ग्रॉसअप करना पड़ेगा तो वो जो डिफरेंस आएगा वो कैश कंपोनेंट माना जाएगा जिस कैश कंपोनेंट को हम सरकार को पे करेगा कैडबरी और फिर ऑब्वियसली कैडबरी ज्यादा एक्सपेंस भी क्लेम करेगा ना थ्री लाख प्लस जो टीडीएस का अमाउंट होगा उसको क्लेम करेगा वो वो तो तो ये कैलकुलेशन तो है वो आप कर लोगे समझ गए होगे और वैसे ये नई बात नहीं है ये आपको अमेंडमेंट जैसा नहीं लगना चाहिए क्योंकि ये बात 194 बी में भी पड़ी जाती है और इनफैक्ट 194 एस में भी ऐसी बात है वर्चुअल डिजिटल एसेट्स भले वो सेक्शन अभी आप नहीं पढ़ रहे बट उसके अंदर भी ऐसी ही बात है तो ये एक जो डाउट है वो ये सॉल्व इन्होंने सर्कुलर में भी किया हुआ है हालांकि लागू हुआ ये अपने आप में प्रॉब्लम है क्योंकि एक साथ बाइस से लागू हुआ तो अब आप सर समझो ये जो बीस हजार रुपए आपने लिखे ये बीस हजार रुपए एक साथ बाइस के बाद देखने या उसके पहले देखने है या पूरे साल का देखना है ये फाइनेंशियल ईयर के नंबर्स है यानी यहां पूरा एक चार बाईस से लेके इकतीस तीन तेईस देखना है पूरा साल देखना है पूरे बारह महीने का नंबर बीस हजार क्रॉस होगा तो एप्लीकेबल किया जाएगा नाउ दिस ओपन अनदर कैन ऑफ फॉर्म्स ये सुनते ही और डाउट आने लग जाते हैं तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं सिंप्लीफाई कैसे करते है? देखो समझे एक टाइम है ये साल है आपका और ये बीच में कट है <laughs> जब से प्रोविजन एप्लीकेबल हुआ कैडबरी ने अपने डिस्ट्रीब्यूटर को यहां दस हजार का बेनिफिट दिया और फिर यहां बारह हजार का बेनिफिट दिया डेट्स टाइमलाइन में समझ आ गई होगी टोटल ड्यूरिंग द ईयर कितने का बेनिफिट दे दिया टोटल ड्यूरिंग द ईयर क्या बीस से ज्यादा है हां सर तो टीडीएस लगेगा तो सही लगेगा तो सही पर लगेगा सिर्फ कितने पे बारह हजार पे लगेगा तो लिमिट चेक करने के लिए खाली एक साथ बाइस के बाद नहीं देखा लिमिट चेक करने के लिए पूरा साल देखा लेकिन फिर लगाया सिर्फ और सिर्फ उस पर जो एक साथ बाईस के बाद हुआ होगा इसी को थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं और क्लैरिटी मिल जाएगी सेम डेट्स समझो यहां हुआ है पच्चीस हजार यहां हुआ है पांच हजार पहले पच्चीस हजार हो गया फिर पांच हजार का बेनिफिट रिलीज किया आपने तीस हजार हो गया क्या बीस हजार से ऊपर चला गया हाँ पर क्या पच्चीस हजार पर टीडीएस लगा सकते हो नहीं क्योंकि तब तो तक सेक्शन ही नहीं आया था पर क्या पांच हजार पे लगाओगे हाँ जी लगाएंगे टेन परसेंट का हम टीडीएस लगा देंगे अब बात समझ आ गई होगी ये ट्रांजिशन भी कोई खास नई बात नहीं है हर साल जब टीडीएस के सेक्शन आते हैं और कई बार एक साथ बाइस से इंप्लीमेंट किए जाते हैं तो यही करना होता है कि जो लिमिट है उसके लिए तो पूरा साल देखो लेकिन लगाओ खाली उस पोर्शन पे जो एक साथ बाइस के बाद हुआ है एक छोटा सा एग्जाम्पल और अगर हम ले लें ये कट ऑफ डेट है समझो दस हजार हुआ पांच हजार हुआ छ हजार हुआ ऐसे दो बार करके बेनिफिट पास किया गया टोटल कितना हो गया इक्कीस हजार तो बीस हजार क्रॉस हो गया पांच हजार पे भी टीडीएस लगेगा इस छह हजार नहीं लगाया जाएगा हम तुरंत उसे ऐसे सॉल्व कर लेते हैं ये बात भी गाइडलाइंस में एक्सप्लेन की है तो गाइडलाइंस में यह भी दिया हुआ है अब क्विकली क्या करते हैं इनकी गाइडलाइंस पढ़ लेते हैं कि क्या गाइडलाइंस इन्होंने प्रोवाइड की है तो आपको दिख रहा है एक सोलर छ को आई

Cadbury जब बेनिफिट दे रहा है डिस्ट्रीब्यूटर को तो क्या उसको ये चेक करना होगा कि क्या वो डिस्ट्रीब्यूटर के लिए मुझे मुझे धर्म निभाना है और मुझे मेरा टीडीएस काटना है सोल्यूशन में, में दिया गया भाड़ में गया तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि डिस्ट्रीब्यूटर के लिए टैक्सेबल है या नहीं दैट इज नॉट योर एजेंडा

हमने क्लियर कर लिया सर कैश भी चलेगा काइंड भी चलेगा दोनों होंगे तो टीडीएस लगेगा इसीलिए क्लियरली किया गया इन कैश इन काइंड और पार्टली इन कैश और पार्टली इन काइंड थर्ड इज देर एनी रिक्वायरमेंट टू डिडक्ट टीडीएस द बेनिफिट इज इन द फॉर्म ऑफ अ कैपिटल एसेट अभी ये बार बार कैसे भी करके सवाल पूछो अगर आप बेस पे टिके रहोगे तो जवाब आपको क्लियर ही है ये क्या बोल रहे हैं कि भाई जो बेनिफिट या परक्विजिट दिया वो किसी कैपिटल एसेट फॉर्म में दिया कैपिटल एसेट फॉर्म में मतलब लैंड ऐसा कुछ दिया तो भी क्या ये सेक्शन लगेगा अरे लगेगा ना उससे क्या फर्क पड़ता है बेनिफिट या दिया ना अभी तुमने सिंगापुर घूमने की टिकट दी हो जो कैपिटल एसेट के नेचर में नहीं है एक्सपेंडिचर के नेचर में है या फिर तुमने उसको जमीन दी हो अरे गोल्ड दिया हो गोल्ड कॉइन्स हो सिल्वर कॉइन्स दिए हो कुछ भी दिया हो उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता टीडीएस तो तुम्हें काटना ही है अब इसी क्वेश्चन में एक और इंटरेस्टिंग सवाल इन्होंने रेस किया क्या इफ द लोन सेटलमेंट और वेवर

और तुम उसके ऊपर एडिशनल बर्डन डाल के बोलोगे टीडीएस भी काटना है उसे एक करोड़ पे तो वो कैसे चलेगा वो नहीं चलेगा इसीलिए ऐसा मत करो और सामने वाले को फर्क नहीं पड़ता हो गई हमारी तो यही यहां पर लिखी है पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन शेड्यूल्ड बैंक कोऑपरेटिव बैंक स्टेट फाइनेंशियलेशन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज ये सारी चीजें तो उस सिचुएशन में आपको इनके ऊपर किसी भी तरह का बेनिफिट या परक्विजिट नहीं मानना है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हाउ इज द वैल्यूएशन ऑफ बेनिफिट या परक्विजिट रिक्वायर्ड टू बी कैरिड आउट भाई वैल्यू कैसे करोगे देखो कैश दिया एक लाख तो ठीक है पर अभी गाड़ी दी तो फिर वैल्यू कैसे करोगे आप तो उस सिचुएशन में इन्होंने कहा देखो तीन चीजें हो सकती है या तो ये एक या तो ये दो या फिर ये तीन पहली क्या रीड कर रहा हूं मैं द बेनिफिट और द परक्विजिट प्रोवाइडर इट बिफोर प्रोवाइडिंग इट टू द भाई कैडबरी ने गाड़ी खरीदी और फिर प्रोवाइड किया केस में तो यह नहीं हो सकता ना कैडबरी तो गाड़ी थोड़ी बनाता है और दूसरी चीजें बनाता है तो फिर उस केस में अगर वो मैनुफैक्चर करता होता अगर करता होता तो, तो फिर उसने खरीदा नहीं ना तो हम क्या करते तो हम बोलते कि देख भाई तू मैन्युफैक्चर करता है तो किसी को तो बेचता होगा किसी को तो बेचता होगा तो जितने में बेचता है वो ले ले द द प्राइस दैट इट चार्जेस टू कस्टमर्स फॉर सच आइटम्स तो पहले अगर मैं प्रोवाइडर हूं और मैंने किसी से खरीद के ही दिया है तो जितने में खरीदा वो ले ले मैंने किसी से खरीदा नहीं अरे खुद बनाता हूं मैं काम है मेरा तो फिर जितने में लोगों को बेचता है वो वैल्यू ले ले पर सर ऐसा कुछ नहीं है ना मैंने किसी से खरीदा है ना मैं खुद बनाता हूं तो फिर क्या करेंगे फेयर मार्केट वैल्यू लेंगे क्या ऑप्शन है और तो कोई ऑप्शन ही नहीं है एफ भी आपको निकालनी पड़ेगी उसकी और एफ भी रीजनेबल मेथड्स पे जो ओपन मार्केट में चलती है वैसे ही निकाली जाएगी जैसे हम फॉलो करते हैं अब जब ये बात बता रहा था मैं तभी शायद आपके मन में डाउट आ जाना चाहिए अगर आप जिंदा आए डाउट क्या आ जाना चाहिए सर वो आपने गाड़ी खरीदी होगी तीन लाख की तो ठीक है तीन लाख तो लेंगे बट आपको पता है ना तीन लाख की गाड़ी पे जीएसटी लगा होगा तो जब वैल्यू लेंगे तो वो प्लस जीएसटी लेंगे या विदाउट जीएसटी लेंगे

क्या उसे भी इस सेक्शन में कहीं कवर किया जाएगा तो देखो इट डिपेंड्स इट डिपेंड्स ऑन वॉट फॉर एग्जाम्पल ध्रुव राठी बहुत नाम सुना होगा आपने काफी YouTube पे फेमस है ये ध्रुव राठी वीडियो बनाते हैं और उसमें आप कई बार देखेंगे वो बीच में कुछ ना कुछ एडवर्टीजमेंट डालते हैं तो इन्होंने किसी कंपनी का मोबाइल फोन का बीच में एडवर्टीजमेंट डाला कि ये देखो Vivo का मोबाइल ये खरीदो तो ऐसी सिचुएशन में डिपेंड करता है कि Vivo कंपनी ने जब ध्रुव राठी को वो मोबाइल दिया तो ध्रुवराठी को बोला कि अब तू ये रखी ले? तेरा हुआ यार उसका पैसा हम तेरे को अलग से दे देंगे दिखाने का, तेरे के करने का, उस पे सब अगर ध्रुवराठी को भाई अब तू रख ले यार ये मोबाइल फोन तो तू हमको प्रमोट है रख ले तो फिर ये बेनिफिट है को ध्रुवराठी को ये वीवो का मोबाइल देते वक्त क्या करना पड़ेगा टीडीएस करना पड़ेगा बट अगर उसने रिटेन नहीं किया उसने वापिस कर दिया तो भाई मैंने तो खाली अपना प्रमोशन किया उसका खत्म हो गई ना बात मैंने को कहा मिला बेनिफिट या पर तो फिर कैसा बस यही लिखा हुआ है कि भाई ये जो परिजिट दिए जाते हैं गाड़ी मोबाइल वगैरह ये सब जो भी और उसे वापस रिटर्न कर दिया जाता है तो वो नहीं है हाउ एवर इफ इट इज रिटेन नेचर ऑफ बेनिफिट ठीक है क्वेश्चन नंबर नाइन प्रोवाइड इज इन काइंड और पार्टली इन काइंड नॉट सफिशियंट मीट टीडीएस तो क्या करना होगा ये मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया रूट वन रूट टू रूट थ्री या तो उसको बोलो पहले कैसे तो बोलो जा तो खुद जाके भर दे या फिर आप लाइबिलिटी बेर कर लो ग्रॉसअप करके वही बातें यहां दी हुई है आप आराम से रीड कर सकते हैं जिस क्वेश्चन में छोटा सा क्वेश्चन और दिया है। क्या दिया है है क्या कंपनी ए कार टू इट्स डीलर बी एंड टैक्स ऑन दिस बेनिफिट अंडर सेक्शन फोर आर डीलर तो कैडबरी ने जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसको गाड़ी दी तो भाई उस पर टीडीएस तो काट लिया

सेक्शन नंबर के हिसाब से से क्लेम करेगा आराम कोई प्रॉब्लम नहीं है so, yes, सो डिडक्शन ले लेकिन उसके पहले तो कुछ ट्रांजेक्शन होंगे तो क्या ये मैंने डिस्कस कर लिया आपके साथ जो टाइमलाइन बना के हमने किया कि पहले होगा तो क्या करना है बाद में होगा तो क्या करना है हालांकि वो बीस हजार की वैल्यू तो पूरे फाइनेंशियल ईयर की देखनी है लास्ट छोटा सा क्वेश्चन वन मार्कर जैसा ध्यान में रखना है वेदर इशुएंस ऑफ बोनस शेयर राइट शेयर इज द बेनिफिट ऑफ कंपनी इन विच पब्लिक आर सब्सटांशियली इंटरेस्टेड इसको हम क्या बोलते हैं वाइडली हेल्ड कंपनी दो टर्म्स पड़े होते हैं ना अपने एक वाइडली हेल्ड कंपनी और एक क्लोजली हेल्ड कंपनी ये ऐसा बोल रहे हैं अगर कोई वाइडली हेल्ड कंपनी रिलायंस जैसी कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को

वो इतना सेंसिबल नहीं लगता इसीलिए इन्होंने ये कर दिया कि भाई ऐसा कुछ भी होगा राइट right शेयर्स हो या फिर बोनस इशू हो कैसी भी सिचुएशन हो तो उस सिचुएशन में हम 194 आर नहीं लगाएंगे इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड इफ दैट बोनस इशू और राइट शेयर बीन गिवन टू ऑल शेयर होल्डर्स बाय अ वाइडली हेल्ड कंपनी तब हम उस केस में इसके ऊपर कोई टीडीएस की बात नहीं करेंगे तो दैट्स इट बहुत छोटी सी बात थी बहुत लास्ट की हमारी बात हो गई दैट्स इट ये सारे गाइडलाइंस कंप्लीट हो गए हमारे तो इंटर में जितनी भी चीजें इंस्टीट्यूट ने इंक्लूड की है उन सबको हमने कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर लिया है जवाब देने की कोशिश करेंगे वाले बच्चों के लिए हम एक अलग से लेंगे और बहुत सारी एडिशनल बातें हैं जो इंटर वाले बच्चे आप देखो ना क्वेश्चन जंप हो रहे थे कुछ क्वेश्चंस के बाद कुछ क्वेश्चन स्किप हुए हम सिर्फ फाइनल के अंदर ही डिस्कस करने वाले हैं ये वीडियो को जरूर लाइक करें अगर आपको पसंद आया और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पेनॉरमिक एजुकेशन का चैनल तुरंत सब्सक्राइब कर ले चिल देन हम फिर मिलेंगे टेक केयर हैव अ नाइस डे